आप विंटर्स में भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर अपना वेट लॉस कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का और मेरी वीडियोस को लाइक करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के इतने अच्छे मैसेजेस आते हैं कि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा किए बगैर रह नहीं सकती। अच्छा, मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह से मेरे साथ कनेक्टेड रहें और मुझे सपोर्ट करते रहें, जो मेरा मिशन है डायबिटीज़ रिवर्सल और एक हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट करना सोसाइटी में। तो उसी इसमें आप मुझे इस तरह से सपोर्ट करते रहें। तो आज का टॉपिक बहुत एक्साइटिंग है। आज मैंने सोचा कि आप लोगों को एक विंटर, इट्स नॉट अ डाइट प्लान, इट्स अ विंटर रूटीन, जो कि आप पूरे विंटर्स फॉलो करके आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को ये होता है जहन में कि विंटर में वेट लॉस नहीं हो सकता, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आप विंटर्स में भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। और ब्रेकफास्ट में जो है वो जो मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया था, आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे हमारे जहन में क्या आता है, जब विंटर्स आते हैं तो हमारे जहन में आता है निहारी, हलीम, सूप्स, बारबेक्यू, फिश और ड्राई फ्रूट्स, पीनट्स। वो जो बाहर वो जो बैल वाले अंकल आते हैं वो गरम गरम पीनट्स देते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपनी डाइट में शामिल करें और वेट लॉस भी करें तो कितनी अच्छी बात है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको ऐसा पूरा एक डाइट रूटीन बताऊँगी जिसको आप पूरा विंटर्स फॉलो करके अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट से। जैसे ब्रेकफास्ट में आप जो है बेसन की रोटी ले सकते हैं। बेसन की रोटी के साथ आप जो है वो ऑलिव ऑयल के साथ, थोड़े से ऑलिव ऑयल के साथ आप बेसन की रोटी बना सकते हैं। और आप निहारी भी ले सकते हैं। निहारी जो है वो विदाउट तड़का आपने निहारी लेनी है। तड़का आपने इस पूरे रूटीन में जो आप विंटर रूटीन फॉलो करेंगे इसमें आपने तड़का लगाना है एक्सरसाइज का, घी का नहीं लगाना। तो इस तरह से आप निहारी ले सकते हैं, ठीक है। और आप जो है वो बेसन की रोटी या मल्टीग्रेन रोटी के साथ आप जो है वो चने का साग भी ले सकते हैं। कभी आप सब्जियों के वक्त के साथ ऑमलेट भी ले सकते हैं। और उसके साथ जो है वो 15 से 20 मिनट के बाद आप कोई भी कॉफ़ी, टी, कुछ भी ग्रीन टी, जो भी वट एवर यू वॉन्ट टू हैव, वो आप इन्जॉय कर सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाता है आपका मिड डे स्नैक। मिड डे स्नैक में मैं हमेशा आपको ये कहूँगी कि आप एक फ्रूट लें ताकि आपके जो आपको मिनरल्स, विटामिन, फाइबर सब कुछ मिले और किसी तरह की डेफिशिएंसी ना हो। अच्छा जी, फिर उसके बाद आप जो है वो आधे घंटे के बाद ग्रीन टी का एक कप ले सकते हैं। अच्छा, फिर आ जाए आप लंच में। लंच में बहुत एक्साइटिंग है। लंच में आप हलीम ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आप हलीम ले सकते हैं, एक बड़ा बोल ले सकते हैं, उसके साथ कच्ची सब्जियों का सलाद ले सकते हैं। और हलीम में यह है कि आप जो ऑयल में डाल के हम ब्राउन अनियंस कर लेते हैं, वो आप जो है वो ऑयल में ब्राउन करके अनियंस को आप उस पर जो है वो ऑयल सेपरेट करके उसकी टॉपिंग कर सकते हैं अपने हलीम में। और उसके अंदर आप लेमन स्क्वीज कर सकते हैं, चाट मसाला डाल सकते हैं और उसके साथ आप थोड़ा सा रायता भी ले सकते हैं और सैलड, जैसे मैंने आपको बोला। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि किसी दिन जो है वो आप बहुत सारी मिक्स्ड वेजिटेबल की खिचड़ी भी अपने लंच में ले सकते हैं। दो कबाब भी ले सकते हैं उसके साथ, जो चिकन और चने की दाल के जो कबाब होते हैं वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। और इसके साथ मिंट चटनी आप योगर्ट में डाल के ले सकते हैं, या किसी दिन आप जो है वो चने का सालन ले सकते हैं, किसी दिन चिकन का सालन ले सकते हैं, उसमें जो उसका चिकन का प्रोटीन कंटेंट लेके। और आप रोटी के साथ भी ले सकते हैं, और अगर सालन है तो आप उसको पोर्शन कंट्रोल के साथ ब्राउन राइस के साथ भी आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका लंच। और उसके बाद आ जाते हैं आपका इवनिंग स्नैक। अच्छा, इवनिंग स्नैक में भी यही मैं कहूँगी कि आप इवनिंग स्नैक में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ग्रीन टी भी ले सकते हैं, कॉफ़ी भी ले सकते हैं, रेगुलर मिल्क टी भी ले सकते हैं, लो फैट मिल्क और विदाउट शुगर। आप उसके साथ रोस्टेड चना का एक बोल ले सकते हैं। आप पीनट्स ले सकते हैं। पीनट्स जो बाहर से जो मिलती हैं गर्म वाली पीनट्स विद छिलका, उसका एक जो है वो बोल आप वो भी ले सकते हैं। और आप नट्स ले सकते हैं, आप पॉपकॉर्न ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मल्टीपल ऑप्शन है जो आपको पसंद आए। अच्छा, डिनर में ये है कि डिनर बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जिसको फॉलो करके आपका प्रॉपर वेट लॉस होगा। उसमें मैं ये कहूँगी जो मेरे चैनल पे जो सूप की रेसिपी है आप वो दो बोल ले सकते हैं, और उसके साथ सैलेड में मैं हमेशा ये रात में कहती हूँ कि आपने दो क्यूकम्बर्स और कुछ रॉकेट लीव्स और कुछ सलाद के पत्ते, ये आप ले सकते हैं। और रॉकेट लीव अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप लेटस लीव भी ले सकते हैं, और इसके साथ आप दो बोल्स सूप के एंजॉय कर सकते हैं जो रेसिपी मेरे चैनल पे। और उसके साथ आप कभी जो है वो दो बॉयल्ड एग ले सकते हैं, योग निकाल दें, और कभी आप ग्रिल या बेक्ड फिश का ऑप्शन ले सकते हैं, कभी आप चिकन टिक्का ले सकते हैं। और उसके बाद जो है वो अगर आपको रात में भूख लगती है तो आप एक कप लो फैट मिल्क का भी ले सकते हैं। तो ये पूरा हो गया आपका विंटर डाइट रूटीन। अच्छा, इसमें ये है कि इन सब को फॉलो करके आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी होगी। ये जितने भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, जो सारा प्लान बताया, इसमें आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होगी, जो कि आजकल जो इतना कोविड सिचुएशन है तो उसमें हमें अपनी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करनी है। आपके टेस्ट बड्स भी सेटिस्फाई रहेंगे, और आपको जो है वो जो इनएक्टिविटी की शिकायत होती है, लोग कहते हैं कि हम सर्दियों में इनएक्टिव हो जाते हैं, तो ये सारा रूटीन फॉलो करके आप एक्टिव भी रहेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी, एंड यू विल स्लीप बेटर। तो कितनी अच्छी बात है कि अगर आप जो है वो दूसरी डाइट्स जब आप फॉलो करते हैं तो आपको उसमें हेडेक्स भी होते हैं, आपके मूड स्विंग्स भी होते हैं, आपको चिड़चिड़ापन भी होता है, तो वो ये सब कुछ नहीं होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे जैसे आप इसे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जाएगा और आपको जब रिजल्ट्स मिलेंगे, तो आपको जो है वो अपनी बॉडी में ज़िंदगी की एक नई और ताज़ा लहर महसूस होगी। तो आई होप कि ये डाइट रूटीन जो है वो आपकी उमदा सेहत का बायस बने। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और लाइक और शेयर तो आप लोग कर ही रहे हैं, और करें, अच्छा है, सब में एक पॉजिटिव मैसेज जाना चाहिए। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।